इंडियंस 36 में इलस्ट्रेशंस है हाउ मेनी, आई बिलीव 25. टेस्ट योर नॉलेज जो कि नीचे रहता है, दीज आर 10, सो आवर टोटल कम्स टू 35. सो दिस इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्टडी मटेरियल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टिल येट अभी जो हम लोग कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते, इसको भी करते हैं. और आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है व्हाट, क्लियर सी एग्जाम्स. और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री. आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री. यू कैन रिपीट विथ मी व्हाट आई कैन एंड आई विल एंड व्हाट वी विल, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंड एज 36, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बोल सकते हो आप कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा इससे से क्वेश्चंस भी कवर होता है. इस बार भी आई बिलीव 10 मार्क्स से तो ऊपर ही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आए थे. नवंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट मे 19. तो दैट इज वाई एम सेइंग इस बार. ओके, तो कहने का मतलब ये कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए बेसिकली इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं. टोटल 35 क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग टेस्ट और नॉलेज. तो ये सारे क्वेश्चंस आप जब करोगे तो सारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. प्लस हमें एक और AS करना है, AS 28, दैट इज ऑल्सो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. आई बिलीव मेरे को पेन चेंज करना चाहिए. एक और है दैट इज ऑल्सो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एंड उसका नाम है AS 28. तो उसमें भी क्वेश्चंस है, मतलब बोथ आर लाइक बट देयर आर सम डिफरेंस ऑल्सो. सो वी विल डू दैट आफ्टर फिनिशिंग दिस, मतलब इंड एज 36 को कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू AS 28. हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये 25 + 10, सो इट विल टेक टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. समय तो लगेगा ही लगेगा, तो क्या हम लोग स्टार्ट नहीं करें? स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा. द जर्नी नीड टू स्टार्ट. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्टार्ट करना, और कुछ नहीं भाई साहब, कोई कुछ मत सोचो, बस स्टार्ट कर दो. जो होना है वो तो होता ही रहेगा. देखो, नहीं करोगे तो भी, करोगे तो भी. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ कि 25 क्वेश्चंस करने, सो वी नीड टू स्टार्ट इट, और कुछ नहीं. स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा, इजंट इट? यस, वी कैन डू इट. आर यू रेडी? आई बिलीव यू आर ऑलवेज, इजंट इट? चलिए स्टार्ट करते. बकवास बंद, काम स्टार्ट. Illustration number 1, the carrying value of the building in the books of Sun Limited. Carrying value मतलब carrying amount बोल सकते हो आप, CA. Excuse me. As at March 31st, 2001 is rupees 3 lakh. Carrying value March 31st, 2001 को 300 lakh थी. As on the date, the value in use is rupees 250. And the fair value less CT. डी कॉस्ट टू डिस्पोजल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 2-3 lakh. कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट. इजंट इट इजी? विच कलर आई नीड टू चूज, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. आई बिलीव आई शुड चूज, क्या व्हाइट लेते हैं? ब्लैक पे व्हाइट कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है. हमें क्या निकालना है? आर ए बेसिकली, अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि आर ए इज हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस CTD. So here value in use is what? 250 and fair value less CTD is 238. So what will be the your RA? Higher is 250, so higher. Here. So that's it. Now move to the next illustration. आप अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बताया, तो आप ज़रूर देखिए, फिर आप ये करोगे तो इजी एंड पीजी, व्हाट वी कैन से इजी पीजी लगेगा. नाउ कम्स टू इलस्ट्रेशन नंबर 2. सैटर्न इंडिया लिमिटेड इज रिव्यूइंग वन ऑफ द बिजनेस सेगमेंट फॉर इम्पेयरमेंट. रिव्यू कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग कर रहा है कि भाई करने लायक है या नहीं, या होगा या नहीं होगा. द कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट इज, उसकी कैरिंग वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट 40 million की है. ठीक है, मतलब कितना? 40 million या 4 crore के आसपास, 4 crore. तो 40 million ही बोलते हैं. Management has produced two computation for the value in use of the business segment. Management ने दो computation बताया. The first value
of rupees 36 million exclude the benefit to be derived from the future reorganization. 36 लाख मतलब उन्होंने दो वैल्यू इन यूज की फिगर दिए हुए हैं. एक में जो 36 मिलियन है वो ये बोल रहा है कि बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सक्लूड कर दिया गया. रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, कोई भी एसेट का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में रीस्ट्रक्चरिंग होती है आपके लोन की आपके एसेट की, सो रीऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली. एंड द सेकेंड वैल्यू इज 44 मिलियन दैट इंक्लूड्स. देर आर टू पॉइंट्स, वन इज सेइंग एक्सक्लूड, वन इज सेइंग इंक्लूड. सारा झमेला यहाँ पे वैल्यू इन यूज का, आप समझ पा रहे हो बात? ठीक है, तो 44 मिलियन है जो बोलता है वो इंक्लूड करता है बेनिफिट जो रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रीस्ट्रक्चर से अराइज होगा. दिस इज नॉट एन एक्टिव मार्केट फॉर द सेल ऑफ द बिजनेस सेगमेंट. सो दिस इज नॉट एन एक्टिव मार्केट का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस सीटीडी इसीलिए नहीं दिया हुआ है. मतलब आप यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस सीटीडी का जो फिगर है वो आपको नहीं मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये. तो आपको निकालना क्या है, वॉट इज द बिजनेस, वेदर द बिजनेस सेगमेंट नीड्स टू बी इम्पेयर्ड. अब भाई बात बताओ, इंपेयरमेंट कब होता है? पहला क्वेश्चन तो यही है, जब वैल्यू रिड्यूस होता है या डिक्लाइन होता है वैल्यू किसी एसेट का. ठीक है, ओके. सॉरी, चलिए देखते हैं आंसर. क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास कैरिंग अमाउंट है, सी ए माइनस आर ए होता है व्हाट, इंपेयरमेंट लॉस. ओके, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट क्या है अपने पास 40 मिलियन, और हमें आर ए निकालने के लिए दो फिगर लगती है, एक है वैल्यू इन यूज और दूसरा फेयर वैल्यू लेस सी टी डी. लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू डिराइव नहीं हो सकती तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसी को जो रहेगा वो हम मान लेंगे. तो इसमें दो वैल्यू दिया, 36 और एक 44. जब ये 36 होगा तो इम्पेयर्ड होगा, क्योंकि सी ए जब मतलब कम रहता है, रिकवरेबल अमाउंट सी ए, तब वो इम्पेयरमेंट होता है. जब ये 44 मिलियन रहेगा तो मतलब ये अपवर्ड हो जाएगा, तो अपवर्ड में तो इम्पेयरमेंट नहीं होगा. तो आपको ये बताना है कि इसमें से 36 मिलियन को हमें कैरी करना है या फिर 44 मिलियन को, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे. तो वही चलिए खोजते हैं. The benefit of the future should not be taken into account in calculation of value in use. Therefore, the net asset of the segment will be impaired by 4 million because the value in use of 36 million is lower than the carrying amount. The value in use can be used as a recoverable as there is no active market for the business segment. तो ये क्या कह रहा है? देखिए, पेन के कलर का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मैंने बैकग्राउंड ब्लैक ले लिया ना. ठीक है, चलिए. बोला फ्यूचर के रीस्ट्रक्चरिंग से हमें आज के डेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आज के डेट में अगर देखा जाए तो 36 ही आपका रिकवरेबल अमाउंट है, 44 तब होगा जब आप फ्यूचर के डेट पे कोई रीस्ट्रक्चरिंग करोगे. ठीक है, सो वो फ्यूचर के डेट पे, आज स्टिल डेट कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि आपका रिकवरेबल अमाउंट 36 है. अब 36 क्यों है, इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए. तो वैल्यू इन यूज का फिगर को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, फेयर वैल्यू लेस सीटीडी हम लोग चेक नहीं करते जहां पे वो आइडेंटिफिएबल ना हो, जहां पे हम मेजर नहीं कर पा रहे. तो इसलिए यहां पे 36 लिया गया है. तो आपकी वैल्यू थी 40, माइनस कर दीजिए 36, सॉरी, सो योर इंपेयरमेंट लॉस विल बी 4. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर. बट मेरा ये नोट चल नहीं रहा है, इसको क्या हो जाता है भाई सर. गुड टू गो नाउ, इलस्ट्रेशन इन इलस्ट्रेशन 3, व्हाट डज इट सेज. मास लिमिटेड है, गिविंग फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ द कैश फ्लो. ठीक है, कैश फ्लो दे रहा है. कैश फ्लो आपको भी याद हो, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए हम लोग काम में लेते हैं. डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है, ये बहुत ही इजी होगा आपको. वैल्यू इन यूज 2004 2005 2006 2007 2008 ये दिया हुआ है सारा वैल्यू, और ये रेसिडुअल वैल्यू मतलब ये कितना हो गया आपका, इधर दोनों मिला देंगे 2500 हो जाएगा. मतलब दिस ईयर दो वैल्यू है जो हमें फ्लो होंगी,
रेसिडुअल वैल्यू भी तो आपको फ्लो होती है ना, आप मतलब माल बेचोगे पैसा लोगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोला परचेज हुआ 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है 20 लाख, 20,000 लैक्स, यूजफुल लाइफ है 8 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ द 8 ईयर्स इज 500 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल इज 10,000 लाख। आपको यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, फेयर वैल्यू लेस सीटीडी दिया हुआ है, ठीक है, ये है परचेज प्राइस आपका ओरिजिनल कॉस्ट बेसिकली, और ये रेसिडुअल वैल्यू, और ये तो ये सारा डेप्रिसिएशन निकालने में काम में आ जाएगा, और इससे कैरिंग अमाउंट आपका निकल जाएगा। फिर ये FB है, फेयर वैल्यू लेस CTD, और यहाँ से आपको निकलेगा वैल्यू इन यूज, तो इन दोनों का जो हायर रहेगा वो आ जाएगा आपका RA। फिर आप टेस्ट कर लोगे कि RCA-RA से इम्पेयरमेंट हो रहा है या नहीं, आपको इम्पेयरमेंट लॉस ही कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन समझाते हैं पहले, क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके पास CA कैलकुलेट करना है और RA कैलकुलेट करना है। CA के लिए आपको ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन के लिए डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से CA निकाल लोगे, ठीक है, यूजफुल लाइफ भी दिया हुआ है तो वही डेप्रिसिएशन का डेटा। RA कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस CTD। अब फेयर वैल्यू लेस CTD हम लोग इंडेक्स 113 से निकालते हैं, लेकिन इंडेक्स 13 से हमने पहले ही बोला था कि ये आपको दिया होगा, लेकिन वैल्यू इन यूज हम लोग कैसे निकालते थे, फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करते थे प्रेजेंट वैल्यू पे, तो डिस्काउंटिंग रेट आपको 15% दिया हुआ है क्वेश्चन में ऊपर, और फ्यूचर के कैश फ्लो दिए हुए, ठीक है, तो उससे आपको निकल जाएगा कि आज के रेट में उसका वैल्यू इन यूज क्या है और फेयर वैल्यू दिया हुआ, तो RA निकल जाएगा विच एवर इज हायर, और CA भी निकाल के आपको निकालना होगा इम्पेयरमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप। चलिए कैलकुलेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट, देखिए खरीदा था हमने कितना पे, ओके ब्लैक ले लेते हैं, पेन 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 विच शुड, या ये अच्छा है। ओरिजिनल कॉस्ट 1,420,000 लैक्स, फिगर्स इन लैक्स, ऊपर भी लैक्स में दिया हुआ तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। लेस डेप्रिसिएशन ऑब्वियस सी बात है, आज 31 मार्च 2004 को आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3 साल हो गया होगा, ठीक है, ये दिया हुआ डेट, March 31, 2004, तो 2001 से 1 अप्रैल 2001 से अब तक का 3 साल, तो 20,000 लेस 500 क्या है, रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप डिवाइडेड बाई 8 × SLM लग गया। जब भी आपको यूजफुल लाइफ दिए तो आप ये अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम क्या मान लीजिए कि SLM ही लगेगा, आपको ये बोला नहीं जाएगा कि SLM यूज़ करिए, व्हेनेवर यूजफुल लाइफ इज गिवन दैट मीन्स इट इज SLM, ऑल राइट, तो इसकी वैल्यू आ गई 73313, नो डाउट इतना ही आएगा, मतलब ये आ गई आपकी CA। फिर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लोज जो हैं सारे लिख दिए हमने, ये 2500 कैसे हो गया, ये 2000 का आपका कैश फ्लो था प्लस 500 आपका जो रेसिडुअल वैल्यू, मतलब वो भी तो आपका फ्लो ही है, मतलब कैश फ्लो ही होगा। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है 15% का, आई होप ये आप निकाल लोगे, ठीक है, और इसको इंटू करने से इसकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस करने के लिए CA-RA चाहिए, जिसमें से हमें CA मिल गया, CA इज व्हाट 12687, ठीक है, और RA में हमें वैल्यू इन यूज मिल गया है और फेयर वैल्यू लेस CTD, तो वैल्यू इन यूज कितना है 9510, और ये है फेयर वैल्यू दिया हुआ है ना, ये है 10,000, तो विच अब इज हायर 10,000, तो इम्पेयरमेंट कितना हो गया 2687। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इम्पेयरमेंट के बारे में। हाँ देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट अपने कर लिए, वैल्यू यूज जो अपने निकाले थे, तो रिकवरेबल अमाउंट विच अवे इज हायर, ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस 2687 अपना भी आया था। अब रिवाइज कैरिंग वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है,
तो रिवाइज्ड मतलब अभी रिवाइज्ड क्या हो गया सी ए रिवाइज कैरिंग अमाउंट या कैरिंग कैरिंग वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना था 12,687 जिसमें से आपने इंपेयर कर दिया 2,687 तो बचा कितना 10,000 दिस विल बी योर रिवाइज सी। और जब भी हम लोग इंपेयरमेंट लॉस करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को भी रिवाइज करना पड़ता है। सो कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज डेप्रिसिएशन भी होगा। वो कैसे होगा रिवाइज सी हो गया रिवाइज डेप्रिसिएशन भी होगा। क्यों होगा क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पे यूजफुल लाइफ चेंज नहीं किया हुआ अगर डेटा नहीं दिया हुआ तो हम लोग मानेंगे कि वही पुराना 8 ईयर ही यूजफुल लाइफ है। अब 8 ईयर ही यूजफुल लाइफ है तो हमारे पास अभी एसेट की वैल्यू है 10,000। अब स्क्रैप भी हम मान रहे हैं 500 ही है उसमें भी कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो हम वही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है परफेक्ट। तो हमारे पास 8 में से 3 ईयर्स तो ऑलरेडी लेफ्ट हैं तो वी हैव ओनली 5 ईयर्स लेफ्ट और इनटू 1 फॉर द ईयर आप अगर निकालोगे तो 1900 परफेक्ट। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन में पूछा नहीं कि भाई क्या निकालना है। ठीक है फॉलोइंग डेटा दे दिया गया लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि मतलब आप इंपेयरमेंट का ही क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये समझिए कि आपको इंपेयरमेंट लॉस निकालना है और इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए आपको दो वैल्यू लगती है सी ए आर ए तो वो कैलकुलेट करिए। अब जब भी इंपेयरमेंट लॉस निकलता है तो आपको रिवाइज डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ता है। सो रिवाइज डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज कर लें। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट हियर इज जुपिटर लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इज हैविंग फर्नेस विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट। ओके एज एट द डेट ऑफ वैल्यू न्यूज एंड द फेयर वैल्यू इज 200 लाख द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 13 लाख। एज एट द डेट द वैल्यू न्यूज मतलब दोनों बराबर है लेकिन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 13 लाख मतलब 200 में से 13 माइनस करेंगे तो फेयर वैल्यू लेस सीटीडी आ जाएगा और वैल्यू न्यूज 200 लाख सी रहेगा। और विच इनका कैरिड बैलेंस क्या है मतलब सी ए 250। कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन द बुक्स कितना होगा पहले रिकवरेबल अमाउंट आपको कैलकुलेट सी ए आर ए चाहिए। हियर इट इज रिकवरेबल अमाउंट मैंने बोला था हायर ऑफ फेयर वैल्यू वैल्यू न्यूज 200 ही रहेगा और ये माइनस होगा फेयर वैल्यू लेस सीटीडी व्हिच इज हायर 200 तो इंपेयरमेंट लॉस 250 माइनस 200। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसमें आ गया आपका वो डी टी ए डी टी एल। अच्छा इसको बीच में कर दे क्या आपने मर्करी लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफिएबल एसेट्स विथ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹1,000 इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज 650 सी ए और आर ए दोनों दिया हुआ है। ओके टैक्स रेट भी दिया हुआ है 30% एंड टैक्स बेस ऑफ द एसेट इज 800 मतलब ये आपका आईटी के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस एज पर आईटी। इंपेयरमेंट लॉसेस आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस ठीक है। द अफेक्ट ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस इज एज फॉलोज क्या है अफेक्ट ये इलस्ट्रेशन दिया आपको आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको सी ए दिया हुआ है 1000 ओके आपको आर ए भी दिया हुआ है 650 आपको एक नया डेटा मिला टैक्स बेस। टैक्स बेस क्या है मैं बता देता हूं टैक्स बेस बेसिकली देखिए ये 1000 का एसेट है जिसमें से मान लीजिए 200 इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है और 800 ये बुक वैल्यू है मतलब नेट वैल्यू है एज पर आईटी
आईटी के हिसाब से 800 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। और ये इनका है 1,06,50, परफेक्ट। इसमें एक नया डेट और भी है, वो है टैक्स रेट जो दिया है 30%। अब देखते हैं आगे, आइए आइडेंटिफिएबल एसेट बिफोर इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस के पहले की कहानी, इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ फिर उसके बाद की कहानी, तीन सेक्शन में बटा हुआ। कैरिंग अमाउंट 1000 और उस पर लगा इंपेयरमेंट लॉस, क्यों लगा? अब ये क्या है, 350 कैसे आया? दिस इज व्हाट द सी ए माइनस आर ए इज, सी ए माइनस आर ए, सी इज 1000 माइनस आर ए दैट इज 650, सो 350 विल बी योर इंपेयरमेंट लॉस एंड दिस इज हियर। टैक्स बेस 800, इंपेयरमेंट लॉस उस पर तो नहीं चार्ज होगा। आइडेंटिफिएबल आफ्टर मतलब आईटी के हिसाब से ये हो गया, ये एज पर बुक है और ये एज पर आईटी रूल्स। इनके हिसाब से 650 है और इनके हिसाब से 800 है। टैक्सेबल डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस, टैक्सेबल कितना होगा 200, 350 और 150 पे 45। तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट आपको कम बेनिफिट दे रहा है या ज्यादा बेनिफिट दे रहा है? इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस 12 द एंटिटी रिकॉग्नाइज द डिफर टैक्स। इंड एस 12 क्या कहता है? इंड एस बेसिकली इट इज फॉर डिफर्ड टैक्स, ओके। द एंटिटी रिकॉग्नाइज द डिफर्ड टैक्स एसेट टू द एक्सटेंट दैट इट इज प्रोबेबल दैट टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच द डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंसेस कैन बी यूटिलाइज। तब ये तीनों केसेस अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिएबल एसेट बिफोर इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता? तो अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है, देखिए मैं बताता हूँ अलग से और क्लियर हो जाएगा। डिफर्ड टैक्स इफ नो इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है, मतलब या फिर बिफोर इंपेयरमेंट लॉस आप बोल सकते हो। आपका बुक में कितना वैल्यू हो 1000 और आईटी के हिसाब से 800, आप अपने बुक में कितना ज्यादा दिखा के रखे हो, ये क्या है? एसेट मीन्स व्हाट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दिस इज ऑल्सो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपने बुक में 200 से ज्यादा दिखा के रखा हुआ, मतलब आप ज्यादा बेनिफिट लेके रखे हो, बेसिकली इट इज एज्यूम्ड योर फ्यूचर इनकम। तो इसीलिए हम लोग इस पे लगाते हैं डिफर्ड टैक्स एट द रेट ऑफ द गिवन परसेंटेज इज 30-60 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ यूं कि आपका जो कैरिंग अमाउंट है वो रिवाइज हो गया। डिफर टैक्स कैलकुलेशन आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस, उसके बाद क्या हुआ, आपकी जो कैरिंग अमाउंट थी या फिर एज पर बुक जो आपकी वैल्यू थी वो हो गई 650, क्योंकि इसमें से 350 का लग गया इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है, 650 हो गई। आपका टैक्स बेस कितना है, वो 800 ही है। अब यहां पे जो फ्यूचर इनकम मिल रहा है वो कम मिल रहा है, मतलब आपको कम बेनिफिट दिया जा रहा है, मतलब आप टैक्स ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, कितना से, 150 से। जब अगर आप टैक्स ज्यादा दिए हो सो दैट मीन्स व्हाट, दैट इज योर एसेट एट द रेट 30%, यह आ जाएगा 45। तो यह आ जाएगा DTA, समझ रहे हो कहानी आप। यहाँ पे आपकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी,
लेकिन यहाँ पे आपकी कैरिंग अमाउंट कम है। जब कैरिंग अमाउंट आपकी बुक वैल्यू कम हो गई तो डिफर्ड टैक्स एसेट में कन्वर्ट हो गया, और जब आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा थी आईटी के हिसाब से कम थी तो आपका लाइबिलिटी होगा। आईटी अगर ज़्यादा है तो आपको एसेट दिखाना है, और आईटी का जो वैल्यू है जब कम है तो आपकी लाइबिलिटी है। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस होने के बाद ये सिनेरियो इधर आ गया, मतलब 60 लाइबिलिटी थी लेकिन इम्पेयर्ड हो गया तो ये आपके एसेट बन गया। ओके ना, ये थोड़ा भारी भरकम वर्ड लिख देते हैं तो इसीलिए मैंने इसको इजी करके आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 6। अ माइनिंग एंटिटी ओन्स अ प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है, प्राइवेट रेलवे रखता है। द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली फॉर स्क्रैप वैल्यू एंड डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द अदर एसेट ऑफ द माइन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि उनके पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है अपनी काम के लिए, बोला वो स्क्रैप के लिए सोल्ड हो सकती है, और इट डज नॉट जनरेट कैश फ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनफ्लोज फ्रॉम द अदर एसेट ऑफ द माइन, वो जनरेट नहीं करती कैश फ्लोज। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्राइवेट रेलवे बिकॉज इट्स वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड इज प्रोबेबली डिफरेंट फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जब ये कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो कैश फ्लो जब जनरेट नहीं करेगा तो इसकी वैल्यू इन यूज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उस केस में क्या होगा? देयरफॉर द एंटिटी एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द प्राइवेट रेलवे बिलोंग्स इज द माइन एज अ होल। क्या कहने का मतलब है? जो प्राइवेट रेलवे ये यूज करते हैं भाई साहब, वो एक सिंगल हैंडेडली काम नहीं कर सकता, ये इंडिपेंडेंट तो है, आइडेंटिफिएबल भी बोल सकते हो, स्क्रैप में इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बट एक कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश फ्लो नहीं है। तो जब ये एसेट नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सीजीयू यूनिट बनाएंगे। तो सीजीयू यहाँ पे क्या हुआ है? सीजीयू से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैश जनरेटिंग यूनिट, तो ये सीजीयू बन जाएगा, पूरी एंटिटी मिल के इस पर काम करी, तो जब एंटिटी बीचे बिकेगी तो ये कैश फ्लो, मतलब एज अ होल एंटिटी कैश फ्लो भी जनरेट कर पाएंगे, आइडेंटिफिएबल भी और इंडिपेंडेंट भी। आपको याद हो हमने ये बात पढ़ी थी सीजीयू में कि ये तीन चीज़ें रहनी चाहिए कोई भी एसेट को इम्पेयर करने के लिए, तो ये तीन कंडीशंस ही यहाँ पे नहीं है, तो हम अकेले इसको इम्पेयर नहीं कर सकते, बट एज अ एंटिटी, मतलब माइंड को पूरा एज अ होल लेके हम लोग कर सकते हैं, मतलब एक से नहीं हुआ तो दो तीन चार को मिला के एक स्मॉलेस्ट ग्रुप फॉर्म करते हैं, फिर उसको इम्पेयर करते हैं। तो वही क्वेश्चन है ना। अ बस कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूनिसिपैलिटी दैट रिक्वायर्स मिनिमम सर्विस ऑन ईच 5 सेपरेट रूट्स, ठीक है, 5 सेपरेट रूट पे सर्विस चाहिए उसको। एसेट डिवोटेड टू ईच रूट एंड द कैश फ्लो फ्रॉम ईच रूट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। सबका अलग अलग से एसेट को, कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑपरेट्स एट सिग्निफिकेंट लॉस, उसमें से एक रूट सिग्निफिकेंट लॉस पे ऑपरेट करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या? सिंस द एंटिटी डज नॉट हैव द ऑप्शन टू कर्टेल एनी वन बिजनेस रूट, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक छोड़ सकते हो, द लोवेस्ट लेवल ऑफ आइडेंटिफिएबल कैश फ्लो दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लोज फ्रॉम अदर एसेट और ग्रुप ऑफ द एसेट इन द केस कैश फ्लो जनरेटेड बाय द 5 रूट्स टूगेदर, द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर ईच रूट इज द बस कंपनी एज अ होल। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सीजीयू क्या है? बेसिकली क्वेश्चन इज व्हाट इज सीजीयू? तो सीजीयू क्या बोल रहा है कि सिंस द एंटिटी डज नॉट हैव द ऑप्शन टू कर्टेल एनी रूट। आप देखो, आप म्यूनिसिपैलिटी को सर्विस दे रहे हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम 4 में ही देंगे और 1 में ही देंगे, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन का बेस क्या है? इसमें बोला 4 तो प्रॉफिट में, 1 लॉस में, सारा अलग अलग इनफ्लो भी देता है, हमें 3 कंडीशन चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिफिएबल है, हाँ है, कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश इनफ्लोज
नहीं होगा वो अकेले, बिकॉज अगर एक रूट वो कैंसिल करेगा तो म्यूनिसिपैलिटी आपकी पांचों की पांचों रूट कैंसिल कर देगी, बोले भैया मेरे को पांचों रूट पे सर्विस चाहिए ना कि एक रूट पे, एक पे लॉस है आप मैनेज करो सारे के साथ। तो यहाँ पे जब हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सीजीयू हमारी क्या होगी, पूरी कंपनी होगी, द बस कंपनी एज अ होल, बिकॉज द रीजन बींग कि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मतलब खुद से एक अकेला इनफ्लोज जनरेट नहीं कर पाएगा अगर एक रूट बंद कर देगा तो। ऑल राइट, ऑल क्लियर? यस, हाउ इज द जोश? लो और हाई? लो, इट्स ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 8, मैं इलायची खा रहा हूं, आपको पता चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात। द कंपनी ऑपरेट्स अ माइन इन अ कंट्री वेयर लेजिस्लेशन रिक्वायर्स दैट द ओनर मस्ट रिस्टोर द साइट ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, रिस्टोर कर देना है भाई साहब जब जाओगे तो, प्रोविजन फॉर डॉल अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें डिकमिशनिंग वाला। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओवरबर्डन, ठीक है, विच मस्ट बी रिमूव फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशन कमेंसेस। अ प्रोविजन फॉर द कॉस्ट रिप्लेस द ओवरबर्डन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज द ओवरबर्डन वाज रिमूव। ठीक है, कहानी अच्छी है, यहाँ तक कहानी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। द अमाउंट प्रोवाइडेड वॉज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द माइन एंड इज बीन, ये बोला द अमाउंट प्रोवाइडेड वॉज रिकॉग्नाइज एज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, जो अमाउंट वहाँ पे प्रोविजन बना तो पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अगर आप इंडेस 16 अगर याद करें तो उसमें हम प्रोविजन फॉर ड्रॉल को भी कॉस्ट ऐड करते थे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कॉस्ट एज पर इंडेस 16। मतलब आप अगर कोई रिस्टोर करते हो बाद में ले जाके तो वो भी आपके एसेट का कॉस्ट माना जाता है, और उसको हम लोग डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्होंने डेप्रिशिएट किया। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन आज के दिन में 500 रुपया है, विच इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेस्टोरेशन कॉस्ट, और आज के दिन के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है। ये है लंबी चौड़ी कहानी, अब आगे बढ़ते हैं। द एंटिटी इज टेस्टिंग माइन फॉर इम्पेयरमेंट, माइन की इम्पेयरमेंट के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द माइन इज द माइन एज अ होल, अब इसमें सीजीयू क्या है, पूरा माइन को मिला के, ठीक है। The entity has received various offers to buy the mine at a price of around 800. मतलब बहुत सारे offer मिले 800 रुपया में खरीदने के लिए। The price reflects the fact that the buyer will assume the obligation to restore the burden. और जो खरीदेगा वो restore के जो burden है उसको भी handle करेगा। Disposal costs for the mine are negligible. Disposal cost कुछ भी नहीं, मतलब वहां से छोड़ के जाने के बाद उसको dispose करने का cost nothing, negligible है। The value in use of the mine is approximately, value in use, recoverable amount निकालने में याद हो अगर तो use होता है, excluding restoration cost, the carrying amount of the mine is, CA दिया हुआ है, RA में एक figure दी गई आपको 1200, ठीक है, और ये market में 800 में बिक सकता है, but ये value in use exclude करके दी गई है। आइए answer देखते हैं। The cash generating units fair value less cost disposal is 800, 800 रुपया में बेच सकता है, तो that is what the fair value less CTD. The amount considered restoration cost have already been provided for. As a consequence, the value in use for the cash generating unit is determined after considering the of the restoration cost and it is estimated to be 700. Okay, समझ रहे हो आप क्या हुआ यहाँ पे? पहले हम लोग आर ए निकाल रहे हैं, आर ए में दो वैल्यू लगती है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस सी टी डी। यहाँ पे फेयर वैल्यू तो दिया हुआ है लेस सी टी डी 800, ओके, वैल्यू इन यूज दिया हुआ है कि 1200 रुपया वैल्यू इन यूज है, एंड हेयर इट इज 1200, इज अप्रोक्सीमेटली 1200, बट देर इज वन थिंग इज एक्सक्लूडेड रेस्टोरेशन कॉस्ट, एंड क्या वो एक्सक्लूडेड रहेगा? जी नहीं, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनफ्लो और आउटफ्लो का कॉम्बिनेशन है, तो नेट इनफ्लो आपको निकालना पड़ेगा। नेट इनफ्लो आपको कितना होगा? नेट इनफ्लो आपको 700 होगा, तो ये 700 और फेयर एंड ये 800, तो व्हाट इज आर ए? आर ए विल बी 800, लेट्स सी। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट इज 500, कैरिंग अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। विच इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन लेस देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द, और द कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन, मतलब पूरे सीजीयू का, पूरे माइन का 1000 है और उस एसेट का 500 है। देयरफॉर द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट डज यूनिट एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट। अब यहां पे क्या हुआ,
देखिए यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस की टेस्टिंग करनी है, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना, बेसिकली इंपेयरमेंट लॉस आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको आरए और सीए चाहिए, और सीए और आरए में डिफरेंस रहेगा, मतलब जो आपका कैरिंग अमाउंट है वो जब ये आरए आरए कम होता है कैरिंग अमाउंट, सपोज करो ये 1000 है और ये 800 है, तो हम इंपेयर कर देते हैं 200, मतलब ये भी कंडीशन रहेगा कि आरए शुड बी लोअर देन द सीए, तब इंपेयरमेंट होगा। तो पहले आरए निकालेंगे, तो वैल्यू इन यूज उसके लिए चाहिए, वैल्यू इन यूज कितना है 1200 माइनस 500 इज कम्स टू 700, फेयर वैल्यू लेस सीटीडी दिया हुआ है 800, सीए हमारे पास 1000 दिया हुआ है एक का, और ये 500 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ द फॉर द माइन इज माइन होल। अब यहाँ पे जो आपका जो ये एसेट था वो कितना है, उसका कैरिंग अमाउंट आज के डेट में 500 है, ठीक है, तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना माना जाएगा, ये 500 और ये रिकवरेबल अमाउंट 800, तो विच एवर इज हायर, आई मीन रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है सीए से, सीए हमारा हो गया 500 और रिकवरेबल अमाउंट है 800, तो यहाँ पे तो हमें रीवैल्यू करके अपवर्ड वैल्यूएशन करना चाहिए, ना कि इंपेयरमेंट, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे इंपेयरमेंट नहीं हो सकता। क्वेश्चन इतना बड़ा लिख देता है ना, अब कहानी ये पढ़ने में उतना टाइम लग गया, सीधा बता देता, बट कैसे पता चलेगा कि अब सी कर रहे हो। एन एंटिटी सेल्स रुपीज 100 एन ऑपरेशन, ओके ओके, एन एंटिटी सेल्स फॉर रुपीज 100 एन ऑपरेशन दैट वॉज पार्ट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच गुडविल हैज बीन एलोकेटेड, द गुडविल एलोकेटेड टू द यूनिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और एसोसिएटेड विद द एसेट ग्रुप एट अ लेवल लोअर देन दैट यूनिट एक्सेप्ट आर्बिट्रेरी, ठीक है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट इज रिटेन इज रुपीज 300। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमें एंटिटी ने सेल कर दिया कैश जनरेटिंग यूनिट से, मतलब एक सीजीयू था उसमें से 100 रुपीज का एक आइटम, मतलब एक एसेट बेच दिया, ठीक है, एसेट हो या लायबिलिटी हो कुछ भी हो सकता है, और उसको बेचने के बाद उसका रिकवरेबल अमाउंट 300 आता है। अब ये बोल रहा है गुडविल उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको बताना है कि उसमें गुडविल कितना होगा, ठीक है, ओके आइए। अब इसमें ये जो आंसर लिखा हुआ है दैट इज नॉट रेलेवेंट, ये आंसर ही इस क्वेश्चन का आंसर है, आप यहां से आप समझ जाओगे क्या है। सिंस द गुडविल एलोकेटेड टू द कैश जनरेटिंग यूनिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और एसोसिएटेड विद द एसेट ग्रुप एट अ लेवल लोअर देन दैट यूनिट, द गुडविल एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन डिस्पोज्ड ऑफ इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव यूज ऑफ द ऑपरेशन डिस्पोज्ड ऑफ एंड द पोर्शन ऑफ द यूनिट रिटेन्ड। अब यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है कि द गुडविल एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन डिस्पोज्ड, जो हमने बेचा उससे कितना गुडविल एसोसिएटेड था वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द ऑपरेशन, रिलेटिव वैल्यूज जो वैल्यूज है उसके हिसाब से, ऑफ ऑन द पोर्शन ऑफ द यूनिट रिटेन, देयरफॉर 25% ऑफ द गुड एलोकेटेड टू द कैश जनरेटिंग यूनिट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट। अब 25% कैसे आया, रिलेटिव यूज के हिसाब से, देखिए कैसे निकला, इट कम्स बाय हमने इतना बेचा आउट ऑफ कितना में से 100 प्लस 300, मैंने 100 और प्लस 300 क्यों किया, ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट आफ्टर यूनिट सोल्ड, तो मतलब ये हमारा रिमेनिंग बचा, टोटल अगर देखें तो 100 प्लस 300 तो टोटल 400 हो गया। तो ये आपका हो गया 100 डिवाइडेड बाय 400 एंड दिस विल कम अराउंड 1/4, इजंट इट, 100 डिवाइडेड बाय 400, तो ये पूरे एसेट का 1/4 था, और 1/4 का मतलब 25%, ठीक है, तो ये ऐसे वैल्यू आया कि इसमें कितना गुडविल था भाई उसका, तो 25%, क्लियर।
फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है आई गेस. गुडविल हैज प्रीवियसली एलोकेटेड सीजी यूनिट ए में एलोकेट किया हुआ था. द गुडविल एलोकेटेड टू यू ए यूनिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और एसोसिएट विद द एसेट ऑफ द ग्रुप एट अ लोअर देन ए एक्सेप्ट आर्बिट्रेरली. ए इज टू बी डिवाइडेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू थ्री अदर कैश जनरेटिंग यूनिट बी एंड सी. क्वेश्चन क्या है? गुडविल हैज प्रीवियसली एलोकेटेड टू जन सीजी ए में गुडविल एलोकेट किया हुआ था. ठीक है, अब क्या है? ए इज टू बी डिवाइडेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू थ्री अदर कैश जनरेटिंग यूनिट. अब ए को क्या किया गया? इसको डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दिया गया तीन अलग अलग सीजीयू में. सिंस द गुडविल एलोकेटेड टू ए कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड व आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इट इज रीलोकेटेड इन टू बी सी डी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वैल्यूज ऑन द थ्री पोर्शन. अब ये कैसे रीएलोकेट किया जाएगा यूनिट ए को? जैसे ऊपर हमने किया तो रिलेटिव वैल्यू यूज के हिसाब से, इसमें वैल्यू यूज तो दिया हुआ नहीं था, रिलेटिव वैल्यूज के हिसाब से वो एलोकेट किया गया. सीजीयू ए को क्या इन्होंने किया? डिवाइड करके एलोकेट कर दिया था बी सी डी में. मतलब पहले गुडविल यहाँ पे था ए में, अब यहाँ से निकाल के तीनों जगह कर दिया. अभी कैसे होगा? इनकी वैल्यूज के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया जाएगा. रेशियो ऑफ द बुक वैल्यू और एनी वैल्यू से. इनकी वैल्यू थी 1000, 2000, 3000 और ए की वैल्यू थी 500. तब इन तीनों का टोटल लगेगा, चारों का टोटल लगेगा, तो 1, 2, 3, 3, 6 प्लस 6500. तो जैसे ये 1000 डिवाइडेड बाई 6500 और जितना भी गुडविल रहेगा उससे इंटू करके इसी रेशियो में, जैसे 2000 डिवाइडेड बाई 6000 3000, तो रिलेटिव वैल्यू के मेथड से एलोकेट कर दिया जाएगा. वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था. तो हमने क्या किया था? 100 प्लस टोटल 1/4 आ गया. अब 1/4 मतलब गुडविल का 1/4 एलोकेट किया गया. सपोज करो गुडविल यहाँ पे 100 रहता तो 25 एलोकेट हो जाता. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. आई बिलीव 30-40 मिनट्स तो हो ही गए होंगे, 40 मिनट्स तो हो ही गया होगा. क्या बोल रहे हो? कंटिन्यू करें? यस, थैंक यू. अर्थ इंफ्रा लिमिटेड हैज टू कैश जनरेटिंग यूनिट. सीजीयू दो हैं. देर इज नो गुडविल विद इन द यूनिट्स कैरिंग वैल्यू. द कैरिंग वैल्यूज ऑफ द सीजीयू 20 और 30 में कोई गुडविल नहीं है और कैरिंग वैल्यू दिया हुआ. द कंपनी हैज एन ऑफिस बिल्डिंग. इट इज यूजिंग एन ऑफिस हेडक्वार्टर एंड हैज नॉट बीन इंक्लूड इन द अबव वैल्यूज. कैन बी एलोकेटेड टू द यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरिंग वैल्यूज बट इट कैन बी एलोकेटेड. ऑफिस बिल्डिंग है बट इस सीजीयू में एलोकेट नहीं किया हुआ है और इस सीजीयू में गुडविल भी नहीं है. द ऑफिस वैल्यू की कैरिंग अमाउंट जो है वो 10 मिलियन. द रिकवरेबल अमाउंट आर बेस्ड ऑन द वैल्यू इन यूज इज 18. और जो रिकवरेबल अमाउंट है दोनों का बता दिया कि 18 मिलियन और 38 मिलियन है. आपको क्या करना है? डिटरमाइन करना है कितना अमाउंट इम्पेयर्ड होगा. तो इम्पेयरमेंट आपको डिफाइन करनी है. उसके पहले मैं क्वेश्चन बता दूं. देयर आर टू सीजीयूज, दिस इज ए, आई एम सॉरी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. देयर इज नो गुडविल. ओके, इनकी वैल्यूज कितनी है? 20 मिलियन और 30 मिलियन. अब वहां पे एक बिल्डिंग है. अब वो बोल रहा है कि इस बिल्डिंग जो 10 मिलियन है इसको आप एलोकेट कर सकते हो इनके बीच में बेसिस ऑफ देयर कैरिंग वैल्यूज. मतलब 2:3 के रेशियो में 10 मिलियन को आप 2/5 और 10 डिवाइडेड बाई 3/5 एलोकेट कर दोगे तो ये कैरिंग वैल्यू नया आ जाएगा. उसके बाद इन्होंने हमें रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है. तो सी ए आर ए तो दिया हुआ है, आर ए अब मैंने लिखा नहीं यहाँ पे. आर ए दोनों का दिया हुआ है, दैट इज 18 और 38 मिलियन रेस्पेक्टिवली. अगर आपको आर ए कम लगेगा तो आप इम्पेयर करेंगे. किससे कम लगेगा? सी सी ए की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो. वही किया होगा आई बिलीव. जी हाँ, 20 30 टोटल टोटल छोड़िए, पहले ये देखते हैं एलोकेशन ऑफ द ऑफिस. 4 और 6 कैसे है? मैंने बताया था पहले ही ऊपर, फिर से मैं बता देता हूँ. ये खुल ना भाई. 10 × 2/5, 5 2 10, 2 2 4 और रिमेनिंग 6. और ऐसे भी निकाल सकते हो 10 × 3/5, 5 2 2, 2 3 6. तो ये हो गया टोटल 24, इसका टोटल 36. अब इसमें से ये अपना सी ए आ गया. अब सी ए और आर ए, जब आर ए कम रहेगा तो इम्पेयर्ड होता है. तो यहाँ पे आर ए कम है,
यहाँ पे आर ए ज़्यादा है तो ये विल नॉट, दिस विल नॉट इम्पेयर्ड, ये इम्पेयर्ड होगा 6 मिलियन से, दैट्स इट. द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4/25 अगेंस्ट द बिल्डिंग एंड 20/24 अगेंस्ट द अदर एसेट. अब बोला कि इसमें से 6 में से हमारे पास कुछ बिल्डिंग है, अब एलोकेट कैसे होगा? जो आपने इम्पेयर कर लिया है, इम्पेयर में तो आपके पास एक सी जी यू है ए और उसमें से बिल्डिंग है. अब सी जी यू ए 20 है और ये 4 है, तो इनके रेशियो में 20 और 4 के रेशियो में दैट विल 40/24 और 20/24 के रेशियो में डिवाइड होगा. तो ये आएगा 1 और ये आएगा 5, मतलब 6 को अगर आप डिवाइड करें तो एक 1 आएगा और एक 5 आएगा. तो यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है कि इम्पेयरमेंट लॉस को फर्दर कैसे एलोकेट करें, मतलब बिल्डिंग कितना इम्पेयर्ड हुआ, सी जी यू मेरा कितना इम्पेयर्ड हुआ उसके लिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12. अ मशीन हैज सफर्ड फिजिकल डैमेज बट इट स्टिल वर्किंग, कॉन्ग्रेट्स. ऑल्दो नॉट एज वेल एज बिफोर इट वॉज डैमेज, द मशीन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू. फेयर वैल्यू जो है वो लेस देन है कैरिंग वैल्यू से, तो इट डज नॉट मीन्स कि इम्पेयर्ड होगा. आर ए निकालने में फेयर वैल्यू लेस सीटीडी लगता है, अगर यहाँ पे वैल्यू इन यूज नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे इम्पेयर्ड हो सकता है. द मशीन डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, मशीन अकेले नहीं करती कैश इनफ्लोज, तो हमें सी जी यू की तरफ देखना पड़ेगा. तो ये बोल रहा है द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ द एसेट दैट इंक्लूड्स द मशीन एंड जनरेट इन्फ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इन्फ्लोज फ्रॉम द अदर एसेट इन द प्रोडक्शन लाइन इन विच द मशीन बिलोंग्स. द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन शोज दैट द प्रोडक्शन लाइन टेकन एज अ होल इज इम्पेयर्ड, इज नॉट इम्पेयर्ड. द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन शोन एज द प्रोडक्शन लाइन टेकन एज अ होल इज नॉट इम्पेयर्ड. ऊपर कहने का मतलब है आपके पास एक एसेट है जो कि हो गया डैमेज्ड, उसका सी ए आर ए उसका कम है, सी ए ज़्यादा, तो ये इम्पेयर हो सकता है, लेकिन ये अकेले कैश इन्फ्लो जनरेट नहीं करता, इसको चाहिए एक स्मॉल ग्रुप कैश इन्फ्लो जनरेट करने के लिए. और यहाँ पे कोई भी नो इम्पेयरमेंट चांस, यहाँ पे आर ए हमेशा ज़्यादा रहता है सी ए से, तो ये अभी तक कहानी है. दो एजम्पशन आपको लेना है. बजट फोरकास्ट अप्रूव बाय द मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट नो कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन, एक ऐसा कि वो मशीन रिप्लेस नहीं करेंगे. और दूसरा एजम्पशन टू रिप्लेस द मशीन एंड सेल इट इन द नियर फ्यूचर, और दूसरा ये है कि वो फ्यूचर में बेच देंगे, रिप्लेस कर देंगे, मतलब बेच के दूसरा लेंगे. कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द मशीनरी अंटिल द डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड टू बी नेग्लिजिबल, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द मशीन अंटिल द डिस्पोजल, मतलब ये प्रोसेस में उससे कोई कैश फ्लो नहीं आएगा. कहानी ये है कि एक केस में वो रिप्लेस नहीं करेगा और एक केस में रिप्लेस कर देगा. तो पहला एजम्पशन पे बात करते हैं. द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीन अलोन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बिकॉज द मशीन इन वैल्यू इन यूज नहीं दिया हुआ है, तो मे डिफर फ्रॉम इट्स वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैन बी डिटरमाइन ओनली बाय द कैश जनरेटिंग. पहले केस में क्या बोला, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीन अलोन कैन नॉट बी जनरेटेड. अब हमारे पास डेटा नहीं है वैल्यू इन यूज निकालने के लिए, यहाँ पे सिर्फ तो मशीन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट. बोला कि फेयर वैल्यू लेस देन है कैरिंग अमाउंट से, तो फेस वैल्यू लेस सी टी डी से ही तो हम आर ए बस नहीं निकालते हैं. आयर आर ए इज हायर ऑफ वॉट, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस सी टी डी, तो यहाँ पे वैल्यू इन यूज हम नहीं निकाल सकते बिकॉज इट मे डिफर फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैन बी डिटरमाइंड ओनली फॉर द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द मशीन. अब वैल्यू इन यूज नहीं निकालने का एक कारण ये है कि वो इंडिपेंडेंटली कैश इनफ्लो जनरेट नहीं करता, बस बात खत्म. तीन कंडीशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए और कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश इनफ्लोज. तो उसमें कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश इनफ्लोज नहीं है, सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द आर ए. द प्रोडक्शन लाइन इज नॉट इम्पेयर्ड, बिल्कुल पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन, तो यहाँ पे लिखा होल इज नॉट इम्पेयर्ड. No impairment loss is recognized for the machine. No, nevertheless, the entity may need to reassess the depreciation period or depreciation matter. मतलब कि depreciation भी reassess करने की जरूरत नहीं. Perhaps a shorter depreciation period or a faster depreciation method is required to reflect the expected remaining useful life of the machine, the pattern in which the economic benefit is expected to consume the entity.
पहला केस हमारे पास, अगर आपको मैं और डिटेल में बताऊं, तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक मशीन है जिसको हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, इसका फेयर वैल्यू लेस सीटीडी दिया हुआ है जो कि सीए से कम है, मतलब वो इम्पेयर होने के चांसेस हैं, लेकिन हमें आरए निकालने के लिए दो डेटा लगते हैं, एक वैल्यू इन यूज और एक फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। अब इसमें वैल्यू इन यूज नहीं दिया हुआ है और हो ये अकेले जनरेट भी नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे आरए कैलकुलेट नहीं हो सकता और इसलिए हम इसको इम्पेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये डैमेज हो गया है प्रोडक्ट, तो इसके लिए आप इसको रीअसेस करके इसका डेप्रिसिएशन, मतलब यूजफुल लाइफ देख सकते हो। डेप्रिसिएशन में चेंजेस तभी होता है जब इम्पेयरमेंट लॉस होगा, तो आप यूजफुल लाइफ चेक करवा लीजिए और कोई दिक्कत हो तो आप उसको डेप्रिशिएट करिएगा, अदरवाइज इट इज ओके। नाउ द सेकेंड अजम्पशन, जिसमें रिप्लेसमेंट की बात कही गई है, द मशीन वैल्यू इन यूज कैन बी एस्टिमेटेड टू द क्लोज ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। मतलब इस केस में हम वैल्यू इन यूज कैन बी एस्टिमेटेड, अब यहां पे क्या बोला था कि आप इंडिपेंडेंटली अगर रहे नहीं है, सीजीयू में है, तो आप वैल्यू इन यूज उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर फॉर द रिकवरेबल अमाउंट कैन बी डिटरमाइन एंड नो कंसिडरेशन इज गिवन टू द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द मशीन बिलोंग्स, दैट इज प्रोडक्शन लाइन, बिकॉज द मशीन फेयर वैल्यू लेस सीटीडी डिस्पोजल लेस देन द कैरिंग अमाउंट एंड इंपेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज फॉर द मशीन। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि बजट फोरकास्ट अप्रूव बाय द मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन सेल इट इन द नियर फ्यूचर कैश फ्लो। अब जब एक मशीन अकेले इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, वो डैमेज हो गई है, लेकिन अगर उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो वो क्या कैश इनफ्लो जनरेट कर पाएगी एक यूनिट में? जी हाँ बिल्कुल, जब वो कैश फ्लो जनरेट कर पाएगी तो उसका रिकवरेबल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, मतलब वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। तो इस क्वेश्चन में क्या माना है कि जो आरए है, मतलब नियर फेयर वैल्यू लेस सीटीडी के आसपास है, यहाँ पे एक एजम्पशन दिया गया है कि ये बोला है कि जो वैल्यू इन यूज है और फेयर वैल्यू लेस सीटीडी है वो आसपास रहेगा, तो जब फेयर वैल्यू लेस सीटीडी बोल रहा है कि लोअर है करेंट अमाउंट से, मतलब कैरिंग अमाउंट से, तो चांसेस हैं कि हम इम्पेयर कर सकते हैं। आफ्टर द एलोकेशन प्रोसीजर्स हैव बीन अप्लाइड एंड लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज फॉर एनी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फॉर कैश जनरेटिंग यूनिट इफ एनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसको अगर आप समरी बनाए, जैसे ऊपर वाले का हमने समरी बना दिया, तो इतनी कहानी की जरूरत नहीं, आप बस ये समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। अपने शब्दों में आंसर लिखना बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूट के शब्द में आप अगर आप आंसर लिखने जाओगे तो फिर तो हो गया। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, पहली चीज कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है कि है या नहीं, उसके लिए हमें डेटा चाहिए सीए और आरए। सीए दिया हुआ है, आरए निकालने के लिए हमें दो डेटा चाहिए, एक वैल्यू इन यूज और एक फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। फेयर वैल्यू और लेस सीटीडी दिया हुआ है, वैल्यू इन यूज यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है बिकॉज वो मशीन रिप्लेस होके आएगी और एक पूरे यूनिट में लगेगी, तो वहां से कैश इनफ्लो जनरेट हो सकता है, जब कैश इनफ्लो जनरेट होगा तो हो जाएगा। अब ये फेयर वैल्यू लेस सीटीडी के आसपास ही रहेगा, ये ऐसा एस्टिमेट आंसर में इन्होंने लिखा हुआ कि इसी के आसपास रहेगा। तो सीए माइनस आरए जब करेंगे तो आरए विच एवर इज हायर, मतलब कि एक इंडिकेशन यहाँ पे दे दिया कि फेयर वैल्यू लोअर है तो आर ए लोअर ही होगा, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो सकती है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन एजम्पशन, तो आप अपनी एजम्पशन खुद से भी लगा सकते हैं। पहले केस में नो इम्पेयरमेंट, दूसरे केस में यस इम्पेयरमेंट विल बी देयर, सिंपल। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्सल।